तो चलिए 7 मिनट का टाइमर लग चुका है हमारा और आज हम तो ये स्पेशल रेसिपी श्वेता के संग बनाने वाले सभी की आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। श्वेता यू आर ऑल सेट? यस। इतनी सिंपल रेसिपी है कि हर कोई बना सकेगा। अचारी पनीर टिक्का हम बना रहे हैं, तो स्टार्ट करें श्वेता। तो देखिए टाइमर को आप स्टार्ट कर दिया है, तो बताइए। सो ये मैंने थिक कर्ड लिया है घर का। आपको टाइम है तो आप हंग करके भी गाढ़ा भी रख सकते हो, मतलब बांध के भी रख सकते हो। तो बेसिकली पानी निकल जाना, थोड़ा सा पानी निकल जाना चाहिए। फिर इसमें पहले मैं इसको जरा अच्छे से विस्क कर दूंगी। और आपको पता है पनीर टिक्का इज सो इजी टू मेक, आप इसमें आसानी से बना सकते हैं ना, कि आप बाहर जाके इतने पैसे खर्च करते हैं वो जरूरत ही नहीं है, घर में आसानी से बनाइए। इसमें थोड़ा अदरक ग्रेट कर दूंगी। और इसको घर में बना के आप अपने पूरी फैमिली के संग एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ये लाइव वीडियो चैलेंज है। देखिए 7 मिनट के अंदर श्वेता बना के दिखा रही है। या थोड़ा गार्लिक, अगर आप नहीं खाते तो आप गार्लिक अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो देखिए अदरक पेस्ट या जिंजर एंड गार्लिक को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। इससे क्या होता है ना, बड़े बड़े पीस मुंह में नहीं आते, ग्रेटेड होता है, टेस्ट नाइस एक्चुअली। ओके, और उसके बाद आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ कसूरी मेथी। पहले मैं मेरे पूरे ड्राई स्पाइसेस डाल दूंगी। ओके, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, रेड चिली पाउडर, ओके, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, देन आई विल ऐड चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। ये आपके घर के सब स्पाइसेस है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल। नाउ विल ऐड माय मेन हीरो ऑफ द डिश। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये घर का आचार है, सो मैंने बस आचार कोई भी मैंगो पिकल मिक्स पर आप उसको ले लीजिए, आचार को वो डाल देंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आचारी पनीर टिक्का। ओके, तो देखिए आचारी पनीर टिक्का यहाँ पर हम बना रहे हैं और ये देखिए कितनी सिंपल है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल गम, आई विल डू अनदर। ये हो गया अपना। अभी मैंने ये कैप्सिकम लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है। तो देखिए कितनी सिंपल ये रेसिपी है, कुछ नहीं करना आपको। हम कर्ड में थोड़े से घर के मसाले डालें और यहाँ पर अब हम कैप्सिकम और प्याज और पनीर से देखिए बनाएंगे, ऐसे बड़े पीस काटेंगे और इसको क्यूब्स ऐसे स्क्वायर्स कर देंगे। देखिए ओके, तो देखिए अगर अच्छा लग रहा है ये चैलेंज आपको, तो देखिए अभी हमारे पास 4.5 मिनट यहाँ पे बाकी हैं। बहुत आसानी से बनते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर घर में गेस्ट भी आ जाएं तो आप आसानी से इसको बना के खिला सकते हैं। नाल कट द अनियन, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है। ओके, इसके निकाल देंगे ऊपर से और दिस यू कट लाइक दिस, ये भी निकाल दिया। इसको ऐसे पीस कर देंगे बस, और इसके एक एक फ्लोरेस ऐसा खोल देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये फ्लोरेट हमने लगाए हैं। अगर अच्छा अचार ना हो तो आप नॉर्मल पनीर टिक्का भी बना सकते हैं। आप बाजार के अचार का मसाला ले सकते हैं, नहीं तो घर में कोई अचार है तो उसका मसाला डाल सकते हैं। नहीं है तो आप नॉर्मल पनीर टिक्का बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। बस सरसों का ऑयल उसमें ऐड करना है। नहीं, मैंने ऑयल इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल रहता है। हाँ, अचार में जो होता है वो नॉर्मली सरसों का ऑयल होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट एडेड एक्स्ट्रा, बट अगर आप अचार नहीं डाल रहे हो तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एटलीस्ट 1 स्पून डाल दीजिए। उससे क्या ना बहुत फ्लेवर बहुत उठ के आता है। और देखिए अभी ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको भी बहुत मजा आएगा। अभी मैंने पनीर लूंगी, इसके भी ऐसे थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स काटेंगे। और देखिए सी ये देखिए बस हमारा रेडी हो गया है। देखिए लिटरली यहाँ पे 3.5 मिनट के अंदर हमारी प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट हो गई है। हर मॉम मेहनत के संग ये रेसिपीज दिखाती हैं। देखिए बस और दिस इज डन, हम उसको अच्छे से ऐसे पूरे सबको कोट, हल्के हाथ से उसको कोट करना है। ओके, देखिए ऑलरेडी देखिए बहुत अच्छा अचार का यहाँ पे टेस्ट आ रहा है और कितनी सिंपल ये रेसिपी है। आप इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। बस अभी इसको हम क्या करेंगे ना, टू गेट अ नाइस टेस्ट एंड ऑल, आप उसको एटलीस्ट 1/2 आवर तक इसको कवर करके रख देंगे। ओके, और अगर ज्यादा रखना है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक बैच रखा है, मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए 30 मिनट्स के लिए श्वेता एंड इट्स डन राइट। यस, इट इज वेरी सिंपल। गेस्ट अगर आ जाए तो जस्ट मे थिक कर्ड आप लीजिए और फिर आप बना सकते हैं। दैट्स इट, एंड आप घर में उसका मजा ले सकते हैं। हाँ, घर में मजा ले सकते हैं। इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करिए और अगर ज्यादा देर रखना है तो फ्रिज में रखिए। और ये देखिए अभी मैंने ऑलरेडी एक बैच रेडी कर दिया है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू कुक स्क्यूअर्स।
इंडीड, ये देखिए आप स्क्यूअर्स में बस इसको लगाना है, अगर स्क्यूअर नहीं है तो आप तवे पे भी डायरेक्टली सेक सकते हैं एंड आप एपिटाइजर की तरह सर्व कर सकते हैं, पर रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो ये तो बनाना बनता ही है। अगर आपका भी मन कर रहा है और मुंह में पानी आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए वहां पे 2 मिनट अभी भी बाकी है हमारे, और साथ में हमने यहाँ पे एक पैन भी रख रखा है, मैंने एक पैन रखा है, मैं इसमें थोड़ा ऑयल ब्रश कर दूंगी और इसको हम फुल फ्लेम कर देंगे। ऑलवेज मेक पनीर टिक्का एंड फुल फ्लेम, क्योंकि हमको उसको थोड़ा रोस्ट ही करना है। और ये कौन सा ऑयल हम ले रहे हैं? कोई भी नॉर्मल ऑयल, आपको बटर में बनाना है तो बटर भी बना डाल सकते हो, कुछ भी नॉर्मल ऑयल है ये। और देखिए सिंपल लग रही है रेसिपी, तो बताइए कॉमेंट्स में। ये 7 मिनट लाइव वीडियो चैलेंज हम लेके आए, और ये देखिए अब ऐसे स्क्यूअर में श्वेता लगा देंगी, 2-3 और यहाँ पे लगा रही हैं वो, और जब तक वो लगा रही हैं देखिए यहाँ पर टाइमर भी आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास 1.5 मिनट आ रहा है। फिनिश द प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन हो चुकी है, इनफैक्ट ये सिकते भी बहुत जल्दी आ रहा है, बिकॉज़ वी आर डूइंग इट ऑन द फुल फ्लेम, यू हैव टू डू इट ऑन द फिल्म, क्योंकि आपको चार्ट यहाँ पे लाना है। कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये देखिए अचारी पनीर टिक्का, सी ऑलरेडी आई एम गेटिंग इट दैट थोड़ा थोड़ा, अभी इसको बस और फ्यू सेकंड हम होने देंगे, मैं और एक बना देती हूँ, रेडी फ्री। और देखिए कितनी आसानी से फिर जब गेस्ट आ जाएं तो आप गर्मा गर्म इसको सर्व करके अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं। अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सिंपल आसान रेसिपी आपको लगता है रेस्टोरेंट में ही जाके खा सकते हैं, सब छूट है, घर में आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगी, इनफैक्ट 100 टाइम्स ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अपना प्यार रहता है इसके अंदर, स्माइल के संग प्यार के संग बनाएंगे तो हमेशा अच्छा लगेगा। और देखिए फटाफट अभी भी हमारे पास 32 यहाँ पे सेकेंड है, अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ऐसे डाल देंगे। देखिए 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी प्रिपरेशन पूरी रेडी हो गई, स्क्यूअर्स में डाल के आप बस अब गरम गरम अपनी फैमिली, हाँ यू सीन दिस, हाँ गेटिंग अ स्टार्ट बिकॉज़ आई हैव डन इन द फुल फ्लेम। तो देखिए फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये एकदम चार्ड लुक आ जाएगा। मेरा अभी टाइमर बजा बट दिस आई बी डन, देखिए 7 मिनट्स में हो गया है, हमने रख दिया है। अब कुकिंग टाइम 1 से 2 मिनट लगेगा, पर ये सीरीज जो हमने करी थी हमने यही बताई थी कि 5 से 7 मिनट में आप क्या तैयारी कर सकते हैं। देखिए और देखिए बारिश के मौसम में जब आप इसको गर्मा गर्म ऐसे धुआं निकलते हुए बनेगा तो आपको भी मजा आएगा, आपकी पूरी फैमिली को मजा आएगा। और अपेक्षा अगर जब आप मैरिनेशन, आप पता है क्या कर सकते हैं, वन मोर आइडिया, स्क्यूअर्स में करके भी आप फ्रिज में रख सकते हो, कोई गेस्ट आ रहा है तो फटाक से वापस गैस पर रख दो। इट्स वेरी हैंडी ऑल्सो राइट, फिर इसको फ्रिज में रख दें हम, बस आप बनाते स्क्यूअर्स जब आधा घंटा हो जाते स्क्यूअर्स में लगा के रख दो, आप बस गैस में ऐसा रख, गैस पे रख के, और देखिए बन गया, डन, ऑलरेडी लुक इट लाइक दिस, देखिए वाओ वाओ, एंड दिस ऐसे ये चारों साइड से हो जाए। और देखिए आपका ये भी हम फर्स्ट वाला भी कर देंगे यहाँ पे, देखिए देखिए nice, it has to be a little bit charred, तभी उसकी मजा आती है, पनीर टिक्का की वो ही मजा है। अगर आपको भी मन कर रहा है खाने का तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए। नाउ आई विल रिमूव, देखिए रिमूव इट, और देखिए ये पनीर टिक्का यहाँ पर रेडी हो चुका है, क्या शानदार देखने में लग रहा है, मजा भी आएगा सबको खाने में अगर अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने चटनी भी बनाई उसके साथ, और ऐसे आप सर्व करेंगे तो बताइए कौन बोलेगा कि आपने 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा पनीर टिक्का अचारी स्टाइल यहाँ पे रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर अ लवली रेसिपी। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।